नमस्कार, डीवी न्यूज में आपका स्वागत है। 500 वर्षों के सपने को हमने साकार होते देखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद शामिल होकर भगवान श्री राम जी के भव्य मंदिर का शिलान्यास किया, और जबकि देश की करोड़ों जनता ने भगवान राम के मंदिर का शिलान्यास जिसको बड़े ही उत्सव के रूप में मनाया। देश के नामी गिनामी कलाकार अयोध्या पहुंचे और ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने। देश के कोने कोने से करोड़ों जनता ने घर घर में दीपक लगाकर अपने शहर में अपने गाँव को अयोध्या बना दिया। राजगढ़ लोकसभा से रोडमल नागर जबरदस्त प्रत्याशी हैं। बता दें, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भाई दूज के पावन पर्व पर वीनागंज में नारी शक्ति सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने नारी शक्ति का मान सम्मान बढ़ाया, और इस अवसर पर राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी रोडमल नागर, गुना भाजपा जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह सिकरवार एवं राजगढ़ जिला अध्यक्ष ज्ञान सिंह गुर्जर, चाचौड़ा विधायक प्रियंका मीणा एवं नगर परिषद अध्यक्ष श्रीमती सुनीता नटाड़ी सहित बड़ी संख्या में महिला मोर्चा की बहनें नारी शक्ति कार्यक्रम में सम्मिलित रही। पीछे धक्का मत, पूरे देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार, एक बार भाजपा सरकार परिलक्षित हो रही है। हजारों लोगों की मौजूदगी में जिस प्रकार का हमारी अपनी यहाँ की विधायक और हमारे सांसद जो सबके साथ में कार्यक्रम सम्मिलित हुआ, बात करके इसके घर में और क्षेत्र के अंदर पार्वती काली सिंह और चंबल योजना का जो नया हमने एमओयू किया है किसान और हमारे साथ में, इसका लाभ पूरे क्षेत्र उठाएगा और बड़े पैमाने पर खेती और चीनी के पानी का निदान होगा, ये गुना तक जाने वाला है। मेरी अपनी ओर से अच्छी पूरे कार्यक्रम को जिला गुना से नरेंद्र कुशवाहा की खास रिपोर्ट, और विकास जानकारी के लिए जुड़े रहिए डीवी न्यूज के साथ।